स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अर्थात आज हम लोग उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नेल में एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी होता है और एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि वह पानी के अंदर भी रेस्पायर कर लेता है और जमीन पर यानी कि स्थल भाग पर भी जो है वह आसानी से रेस्पायर कर लेता है। तो इसके लिए उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो रेस्पिरेशन में उसको मदद करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वह यानी कि एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी करता है और एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी करता है। तो एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करने के लिए जब वह पानी में रहता है तो उसके लिए जो उसके पास ऑर्गन होता है वह होता है टिनेडियम। टिनेडियम को हम लोग जो है गिल्स भी कहते हैं, ये गिल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये गिल्स हो गया। तो इसके एक्वेटिक रेस्पिरेशन करने के लिए इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है टिनेडियम अर्थात गिल्स। दूसरा, अगर वह एरियल में रेस्पिरेशन करता है अर्थात वह जमीन पर रहता है तो उस समय इसके लिए जो है सो रेस्पिरेशन करने के लिए इसके पास जो ऑर्गन होता है वह होता है पल्मोनरी सैक, यानी कि यह एक तरह से लंग्स का काम करता है, एक फेफड़े की तरह काम करता है। उसके बाद ये दोनों महत्वपूर्ण ऑर्गन हो गए, एक्वेटिक के लिए टिनेडियम और एरियल के लिए पल्मोनरी सैक। उसके बाद म्यूचुअल लोब्स पाया जाता है। तो ये जो म्यूचुअल लोब्स होता है ये एसेसरी ऑर्गन होता है, यानी कि यह हेल्प करता है, यह सहायक करता है, यह सहायता करता है। तो ये म्यूचुअल लोब्स जो होता है वह एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में भी मदद करता है और एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। अब हम लोग इस दोनों मोड ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग बारी बारी डायग्राम के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पाइला स्नेल है इसमें एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जो इसके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम लोग टिनेडियम कहते हैं या गिल्स कहते हैं, तो ये टिनेडियम जो होता है इसके द्वारा यह एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करता है। उसके अलावा इसको इसके पास हेड के दोनों तरफ दो म्यूचुअल लोब्स होते हैं और ये दोनों म्यूचुअल लोब्स जो होता है ये एसेसरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि यह इसको हेल्प करता है, जो कि एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन में भी उसको हेल्प करेगा और एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले टिनेडियल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो टिनेडियल जो होता है जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं, यह एक मोनोपेक्टिनेट गिल होता है और यह बिल्कुल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंघे के जैसा होता है। यह ब्रांचियल चेंबर के राइट साइड में आपको जो है देखने को मिलेगा। इसमें एक लॉन्ग एक्सिस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लॉन्ग एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग टिनेडियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो टिनेडियल एक्सिस जो होता है, ये जो एक्सिस है ये मेंटल वॉल से, जो इसके बगल में वॉल मेंटल होता है, उस मेंटल वॉल से ये अटैच रहता है, मेंटल वॉल से ये जुड़ा हुआ रहता है। जिसके कारण से, क्योंकि मेंटल वॉल से ये अटैच रहता है, इसलिए इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसमें आकर अटैच जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि यह जो है ब्लड को ट्रांसवर्स करने में हेल्प करता है। तो चूंकि टिनेडियल एक्सिस जो होता है वह ब्लड को ट्रांसवर्स करता है, तो ट्रांसवर्स करता है तो इसके लिए इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसा कि आप देखिए यहां पर हमने इसको बनाया, तो ये जो दो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है एफरेंट ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है इफरेंट ब्लड वेसल्स। तो एफरेंट ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि एफरेंट ब्लड वेसल्स जो है जो पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक लेकर आना, पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड को एफरेंट ब्लड वेसल्स जो है गिल्स तक लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और इफरेंट ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ जब गिल्स तक ले गया तो गिल्स में डिफ्यूजन होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल कर लिया जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इफरेंट ब्लड वेसल्स क्या करता है कि गिल्स से और हार्ट तक पहुंचाता है और हार्ट से वैसे ये पूरे शरीर में चला जाता है। तो एक्सिस में बहुत सारे जो है
लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लीफ लाइक यानी कि पेड़ के पत्तियों के जैसी संरचना जो ट्रायंगुलर शेप में होता है वैसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है सो टीनेडियल एक्सिस है और टीनेडियल एक्सिस में बहुत सारे जो है सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इसको इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टीनेडियल लैमली। ये जो है सो क्या है टीनेडियल लैमली है। तो ये जो टीनेडियल लैमली होता है ये जो टीनेडियल एक्सिस है तो टीनेडियल लैमली का जो बेस होता है वो टीनेडियल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है। ये टीनेडियल एक्सिस के साथ क्या है इसका बेस इसके साथ अटैच होता है। जबकि दूसरा सिरा जो होता है इसका ये फ्री वाला जो सिरा है ये जो है सो ब्रांचियल चेंबर में लटका हुआ रहता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो टीनेडियल एक्सिस होता है ये ब्रांचियल चेंबर के अंदर होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये ब्रांचियल चेंबर है तो इस ब्रांचियल चेंबर के अंदर जो इसके बाहर मेंटल होता है तो यहां पर जो है सो ये टीनेडियल एक्सिस है जो कि मेंटल से अटैच है। मेंटल इस पूरे चेंबर को हम लोग ब्रांचियल चेंबर बोलेंगे और इसमें जो है ये ऐसे झालर की तरह लटका हुआ रहता है इसके अंदर में, है ना, इसके अंदर में ये झालर की तरह लटका हुआ रहता है। तो ये जो झालर की तरह लटका हुआ है इसको हम लोग ये टीनेडियल लैमली हो गया और ये जो है सो टीनेडियल एक्सिस हो गया। टीनेडियल एक्सिस तो इस तरह से ये इसके अंदर में लटका हुआ रहता है। दोनों फ्री साइड जो होता है दोनों फ्री साइड अब देखिए जिसमें से हमने एक टीनेडियल लैमली को यहां पर हमने ड्रॉ किया है तो यहां पर ये तो इस तरह से जो है सो जो कंघे में जो उसका जो पॉइंट सब निकला हुआ रहता है इस तरह से स्ट्रक्चर इसका रहता है। इसमें से एक को हमने फिर यहां पर जो है सो जूम किया है तो ये जो इसका साइड जो होता है इसमें एक तरफ आपको एफरेंट ब्लड वेसल्स है और दूसरी तरफ इफरेंट ब्लड वेसल्स है। तो इसका जो दोनों फ्री साइड होता है दोनों फ्री साइड का मतलब कि जैसे ये टीनेडियल लैमली है तो इसका फ्री साइड ये हो गया इसका फ्री साइड ये हो गया इसका फ्री साइड ये हो गया इसका ये हो गया तो ऊपर वाला नीचे वाला जो फ्री साइड है ये इसको हम लोग फ्री साइड बोलते हैं। तो इस फ्री साइड को जो एक दोनों इक्वल नहीं होता है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है तो जो छोटा वाला होता है वह जो है सो एफरेंट ब्लड वेसल से अटैच रहता है। ये जो है सो क्या ये वाला साइड जो है सो क्या है एफरेंट ब्लड वेसल से अटैच है। तो ये एफरेंट ब्लड वेसल से क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है तो इसलिए इसका जो नाम पड़ गया इस साइड का जो नाम पड़ गया वह एफरेंट साइड पड़ गया और दूसरा जो है वह इफरेंट ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ रहता है इसलिए इसका नाम जो हो गया वह इफरेंट साइड हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है और ये जो है सो इफरेंट ब्लड वेसल्स है तो ये वाला एफरेंट साइड हो गया और नीचे वाला इफरेंट साइड हो गया। जो साइड एफरेंट से जुड़ा हुआ है ब्लड वेसल से वह एफरेंट साइड हो गया और जो इफरेंट से जुड़ा हुआ है इफरेंट साइड हो गया। उसके अलावा इसके जो सरफेस होते हैं जो पोस्टेरियर और एंटेरियर सरफेस होते हैं तो उसके ट्रांसवर्स जो सरफेस होते हैं लैमली के उसके ऊपर बहुत सारे आपको जो है ट्रांसवर्स पिलेट्स यानी कि जिसको रिजेस कहा जाता है वह पिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सो ये ट्रांसवर्स पिलेट्स है ना जो इसके सतह पर आपको बाहर से भी और भीतर से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस जो पिलेट्स जो होता है जो ट्रांसवर्स पिलेट्स होता है इसमें बहुत सारे जो है ये ब्लड वेसल जो मेन ब्लड वेसल है इसके बहुत सारे ब्रांचेज इसके अंदर जो है सो कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे ब्रांचेज इसके इससे अटैच होते हैं ब्रांचेज इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसा कि इस कारण से इसका ब्लड का जो मूवमेंट होता है इसी जो है ब्रांचेज जो ब्लड वेसल्स है ब्रांचेज ब्लड वेसल्स है इससे जो है ऊपर से नीचे की ओर इसका ब्लड का फ्लोएशन होता है। देखिए ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है ये इफरेंट है तो यहाँ से इस ब्लड का इसके अंदर जो इसके ब्रांचेज होते हैं यहाँ से ब्लड इसके द्वारा एफरेंट से इफरेंट में आ रहा है ना ऐसे आ रहा है तो इस तरह से इसका फ्लोएशन होता है। उसके अलावा ये जो टीनेडियल लैमली होता है सभी टीनेडियल लैमली का साइज जो होता है लंबाई जो होता है वह एक जैसा नहीं होता है तो इसमें आपको बीच में जो है बीच में इसकी लंबाई जो होती है वो अधिक होती है और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ दोनों जो है सो किनारे की तरफ आप जाएंगे तो इसकी जो है लंबाई जो है सो छोटी होती चली जाती है।
और ऊपर भी जाने पर और नीचे, यानी कि बीच में इसकी लंबाई अधिक होती है और जैसे जैसे आप आगे या पीछे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी लंबाई कम होती चली जाती है। तो अब हम लोग इसके लैमली जो होता है, इसके लैमली के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हिस्टोलॉजिकली अगर देखें, यानी कि इसके टीएस को अगर देखें, तो आपको ऐसा देखने से प्रतीत होगा कि प्रत्येक लैमली जो होता है ये दो लेयर से बना हुआ होता है और दोनों लेयर के बीच में खाली स्पेस होता है, ये जो खाली जगह है। तो इस खाली जगह को हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो इस दोनों लेयर के बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग कैविटी बोलेंगे। उसके बाद इसके सरफेस पर आपको कहीं कहीं पर सिलिया देखने को मिलेंगे। सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग सिलिया बोलेंगे। तो कहीं कहीं पर सिलिया देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर सिलिया आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहां पर जिस जगह पर सिलिया आपको देखने को मिलेंगे तो वहां का जो सेल होगा वह जो है सो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहलाएगा, और जहां पर सिलिया नहीं मौजूद होगा वह नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहलाएगा। उसके बाद ये सभी जगह ये कैविटी मौजूद नहीं होता है, कहीं कहीं पर कैविटी नहीं होता है, वहां दोनों जो है सो दोनों लेयर आपस में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो अटैच होता है तो वह कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है सो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद ये मसल से फाइबर हो गए, उसके अलावा ये पैलियल एपिथेलियल हो गया। तो ये हम ये जो है सो क्या होता है कि टीनेडियल जो है, जैसा कि हमने आपको बताया ये जो लैमली है, तो लैमली का बेस जो होता है ये टीनेडियल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है और टीनेडियल एक्सिस जो है वह मेंटल से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मेंटल और टीनेडियल एक्सिस दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है कि अटैच हो रहा है। तो अब हम लोग स्नेल के अंदर जो एक्वेटिक रिस्पिरेशन होता है तो उस रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसको हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नेल जो है वह एक्वेटिक रिस्पिरेशन भी करता है और एरियल रिस्पिरेशन भी करता है। तो जब स्नेल पानी के अंदर रहता है, तो जब पानी के अंदर रहता है तो उसका मोड ऑफ जो रिस्पिरेशन होता है वह एक्वेटिक एक्टिव रहता है। तो इस समय यह सबसे पहले क्या करता है कि अपने पानी के अंदर जब उसको रिस्पिरेशन करना रहता है तो सबसे पहले ये अपने पूरे बॉडी को एक्सपेंड कर देता है। पूरे बॉडी को एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि वो अपने हेड और फुट सबको शरीर से बाहर पानी के अंदर निकाल देता है और फैला देता है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि दो म्यूचुअल लोब पाया जाता है, ये लेफ्ट म्यूचुअल लोब है और ये राइट म्यूचुअल लोब है, इसको ऐसे समझिएगा है ना। तो ये जो है सो लेफ्ट और राइट म्यूचुअल लोब है। तो लेफ्ट म्यूचुअल लोब से क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर का जो करेंट होता है, ये दोनों जो है सो एक चैनल की तरह काम करता है। तो जैसे ही वाटर को जो इन करने का जो रास्ता होता है वह लेफ्ट म्यूचुअल लोब होता है, यानी लेफ्ट म्यूचुअल लोब के द्वारा पानी इसके अंदर आएगा। यहाँ पर जो है सो जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक ऑस्फ्रेडियम होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑस्फ्रेडियम का क्या काम है कि यह पानी को चेक करता है। अगर वाटर ज्यादा पोल्यूटेड होता है तो यह जो है म्यूचुअल लोब को बंद कर देता है और वाटर को अंदर रिसीव नहीं होने देता है, अंदर आने नहीं देता है। लेकिन अगर वाटर पोल्यूटेड नहीं है, दूषित पानी नहीं है, गंदा पानी नहीं है, तो फिर जो है यह इसको पानी को अंदर आने देगा। उसके बाद यहां से यह पानी आ जाएगा कहां, पल्मोनरी चेंबर में। पल्मोनरी चेंबर में आप देखिए यहां पर जो है क्या है, टीनेडियम है। तो टीनेडियम जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर आपने देखा, तो ये जो है टीनेडियम क्या करेगा, यहां पर जो है सो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है और इसके द्वारा गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से पूरे बॉडी से जो पहुंचा हुआ रहता है तो उस दोनों का डिफ्यूजन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर वाटर के अंदर वह रिलीज करेगा और वाटर के अंदर जो फ्रेश ऑक्सीजन होगा उसको यह क्या करेगा, यहाँ पर रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद ये फिर वाटर जो है वह राइट म्यूचुअल लोब से बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें इस वाटर करेंट को, जो इसमें वाटर का करेंट है, जो वाटर का जो मूवमेंट है वह कंटिन्यू बना हुआ रहे, इसके लिए स्नेल क्या करता है, तो इसके लिए यह क्या करेगा कि अपने बॉडी को यह लगातार बार बार फैलाता और सिकुड़ता है, यानी कि बॉडी को यह फैलाएगा और सिकुड़ेगा,
इससे क्या होगा कि वाटर का करंट जो है इसके अंदर मूवमेंट जो है सो बना हुआ रहेगा, यानी कि फैलाने और सिकुड़ने में का मतलब ये हो जाता है कि यह अपने पैर और हेड को जो सेल होता है, जो कवच होता है, उससे बाहर और अंदर निकालता है और बाहर की तरफ निकालता है फिर अंदर सिकुड़ लेता है। दूसरा चीज ये होता है कि आपने देखा कि टीनेडियम में जो लैमली होता है उस लैमली पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सिलिया हम लोग कहते हैं। तो ये सिलिया जो है बीटिंग करता है, यानी कि मूव करता है, एक पतवार की तरह हिलते रहता है। तो ये बीटिंग जब करता है तो इससे पानी जो है सो वाटर का जो है सो करेंट फास्ट हो जाता है। तो ये दोनों काम जो होता है ये वाटर के मूवमेंट को, वाटर के करंट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये दोनों एक्टिविटी स्नेल पानी के अंदर करते रहता है। तो अब हम लोग पाइला में जो एरियल रेस्पिरेशन होता है वह किस प्रकार से होता है उसको अब हम लोग यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एरियल रेस्पिरेशन करने के लिए पाइला के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी सैक कहते हैं, और एक एसेसरी ऑर्गेन होता है जो उसको हेल्प करता है जिसको हम लोग न्यूचुअल लोब्स कहते हैं। तो सबसे पहले पल्मोनरी जो सैक होता है उस पल्मोनरी सैक के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पल्मोनरी सैक जो होता है यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेंटल वाल से विकसित डेवलप करता है। यह पल्मोनरी चेंबर में लटका हुआ रहता है। पल्मोनरी सैक पल्मोनरी चेंबर में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे हम लोग पल्मोनरी एपर्चर कहते हैं। तो पल्मोनरी चेंबर जो होता है ये काफी पिगमेंटेड होता है और इसका वाल जो होता है बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और हाईली वैस्कुलर होता है, क्योंकि इसके अंदर अधिक से अधिक ब्लड को कलेक्ट करने के लिए जगह होता है। जैसा कि आप देखिए डायग्राम में, ये पल्मोनरी चेंबर है, ये पल्मोनरी चेंबर है। इस पल्मोनरी चेंबर के अंदर ये जो आप ओवल शेप में देख रहे हैं ये पल्मोनरी सैक है। पल्मोनरी चेंबर और पल्मोनरी सैक इस दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र है, इससे हम लोग पल्मोनरी एपर्चर कहते हैं, है ना। इस छिद्र को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एपर्चर। दूसरा जो इसका एसेसरी ऑर्गन है जिसके हम लोग न्यूचुअल लोब्स कहते हैं, तो न्यूचुअल लोब्स जो होता है, ये दोनों न्यूचुअल लोब्स हो गया। तो ये जो होता है हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है और यह हेड के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये हेड हो गया और इसके दोनों तरफ ये जो है ये न्यूचुअल लोब्स हो गया, ये न्यूचुअल लोब्स हो गया। तो ये दोनों तरफ होता है। इसका काम क्या है कि जो मेंटल कैविटी में बाहर से पानी को अंदर तथा अंदर से पानी को बाहर जाने का एक रास्ता, एक चैनल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पल्मोनरी से जो इसका एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए एक लंग्स की तरह काम करता है, और जो न्यूचुअल लोब्स होता है वह एसेसरी ऑर्गेन की तरह काम करता है। तो स्नेल जो है वह एरियल मोड रेस्पिरेशन कब करता है ना, तो जब स्नेल लैंड पर रहता है तो उस समय वह एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन करता है, लेकिन यह पानी में रहते हुए भी एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन यूज करता है। तो जब वाटर के वह सरफेस के पास रहता है, कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, तो उसका जो ऑस्ट्रेडियम है वह उसके पानी को अंदर नहीं आने देता है। तो वैसे कंडीशन में भी स्नेल को एरियल रेस्पिरेशन ही करना पड़ता है। तो यहां पर दो कंडीशन बाहर निकल कर आता है कि पानी में रहते हुए स्नेल एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार से करता है, और लैंड पर रहने पर यानी पानी से बाहर जब वो रहता है तब वह एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो जब स्नेल पानी के अंदर रहता है तो उसे एरियल रेस्पिरेशन करने की जब जरूरत महसूस होती है तो वह किस प्रकार से एरियल रेस्पिरेशन करता है। यानी मैंने आपको बताया कि इसमें दो कंडीशन आएंगे कि जब स्नेल पानी में रहते हुए एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार करता है, और जब वह लैंड पर रहता है तो वह किस प्रकार से एरियल रेस्पिरेशन करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लें कि वह पानी में रहते हुए एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो जब वह पानी में रहता है और उसे एरियल रेस्पिरेशन करने की जरूरत महसूस होती है तब वह सबसे पहले वह पानी की सतह पर चला आता है, और या वह जिस जलाशय में मौजूद रहता है उस जलाशय के किनारे पर चला जाता है।
उसके बाद वह अपने शरीर को थोड़ा टिल्ट करता है, थोड़ा टेढ़ा करता है, जिससे क्या हो कि उसका जो लेफ्ट न्यूचुअल लोब है वह ऊपर की तरफ आ जाए। और उसके बाद वह लेफ्ट, जैसे कि आप देखें यहां पर यह पानी है और इस पानी में जो है ये स्नेल है, तो ये जो है सो अपने शरीर को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, टिल्ट कर लिया, जिससे इसका जो है सो लेफ्ट न्यूचुअल लोब, ये लेफ्ट न्यूचुअल लोब है जो क्या हो गया कि पानी से बाहर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद जो लेफ्ट न्यूचुअल लोब होता है उसमें से एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्ट बाहर निकलता है, पानी से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग साइफोन कहा जाता है, जिसे साइफोन कहते हैं। और इसी साइफोन के द्वारा, यहां पर आप देखिए ये आपको साइफोन दिखाई दे रहा है, ये जो है सो न्यूचुअल लोब है जहां से एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्ट बाहर निकला, इसको हम लोग साइफोन बोलेंगे। और इस साइफोन के द्वारा क्या होगा कि अंदर जो है वह एयर जो है अंदर आता है और इसी साइफोन के द्वारा एयर बाहर भी जाता है। तो इसके लिए स्नेल जो है सो क्या करता है कि इसके अंदर, इसके इसके द्वारा अंदर एयर जो है वह अंदर और बाहर कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए ये जो पल्मोनरी सैक होता है, इस पल्मोनरी सैक को लगातार वह फैलाता और सिकोड़ता रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि वाटर के सरफेस पर, वाटर का सरफेस जो होता है वह पूरी तरह से साफ होता है, यानी कि उस पर किसी तरह का वीड्स वगैरह, खरपतवार या कोई किसी तरह का वेस्टेज अगर नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशन में यह साइफोन को जो है वह थोड़ा और ज्यादा जो है सो बड़ा कर लेता है, फैला लेता है, यानी कि जस्ट लाइक एज ए फनल, फनल की तरह वह फैला लेता है। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक एयर जो है वह इसके अंदर पहुंच जाता है और इसे जो है सो स्नेल को काफी जो है सो रिस्पिरेशन करने में काफी कंफर्टेबल महसूस होता है और वह एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि स्नेल जो है वह लैंड पर रहता है तो उस कंडीशन में वह एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो उसको जो न्यूचुअल लोब्स है उसमें साइफन को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बिना साइफन को प्रोजेक्ट किए हुए वह आसानी से एरियल रिस्पिरेशन कर सकता है। साइफन को प्रोजेक्ट कब करता है, जब वह पानी में, वाटर में रहते हुए एरियल रिस्पिरेशन करने की जरूरत महसूस होती है। तो अब हम लोग पाइला में जो एरियल रिस्पिरेशन होता है तो उस एरियल रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस प्रकार होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसका लेफ्ट न्यूचुअल लोब है जिसमें ये साइफन प्रोजेक्ट हुआ है, तो इस साइफन के द्वारा क्या होगा, जो एयर अंदर आएगा, यहां से एयर अंदर आया तो ये आएगा कहां पर, पल्मोनरी चेंबर में। ये पूरा जो है सो क्या है, पल्मोनरी चेंबर है। इस पल्मोनरी चेंबर में एयर आ गया और पल्मोनरी चेंबर के अंदर में ये पल्मोनरी सैक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस पल्मोनरी सैक में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी अपर्चर। ये पल्मोनरी अपर्चर हुआ, तो पल्मोनरी चेंबर से में जो एयर है वह इस छिद्र के द्वारा आएगा कहां, पल्मोनरी सैक में। तो पल्मोनरी सैक में जब एयर आ जाएगा तो यहां पर डिफ्यूजन होगा, यानी कि यहां पर क्या है कि इसके अंदर बहुत, ये जो पल्मोनरी सैक होता है बहुत ज्यादा हायर वैस्कुलर होता है और ये मस्कुलर होता है, इसके अंदर बहुत अधिक जो है ब्लड कलेक्ट होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन जो है ब्लड के द्वारा रिसीव किया जाएगा और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन को रिसीव किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर है वह फिर इसी जो है सो पल्मोनरी अपर्चर के द्वारा बाहर निकलेगा और यहाँ से ये जो है सो पल्मोनरी चेंबर में आएगा और फिर पल्मोनरी चेंबर से होते हुए ये साइफन के द्वारा फिर ये एयर जो है सो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये चीज प्रोसेस होते रहता है। अब इसमें इस एयर को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए पल्मोनरी सैक जो है सो हमेशा फैलता और सिकुड़ता रहता है, यानी कि जस्ट लाइक एज ये लंग्स है, जिस तरह से हम लोग अपने नोस्टिल्स के द्वारा जो है सो एयर को रिसीव भी करते हैं और उसी से रिलीज भी करते हैं, और हमारा लंग्स जो है सो क्या करता है,
कि उसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो स्नेल के अंदर ये जो साइफन है एक तरह से जस्ट लाइक इसका नोज है, और इसका जो पल्मोनरी सेट है वह जो है सो इसका लंग्स है। तो स्नेल जो है वैसे दोनों मोड में वह अल्टरनेटली रेस्पिरेशन करते रहता है, लेकिन उस मोड को ज्यादा प्रीफर करेगा जो उसके कंडीशन के हिसाब से ज्यादा अनुकूल होगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब स्नेल एस्टिवेशन में चला जाता है यानी कि समर स्लीप में, तो जब समर स्लीप में चला जाता है तो उस समय वह रेस्पिरेशन कैसे करता है, क्योंकि उस समय तो वह अपने पूरे शरीर को कंप्लीटली सेल के अंदर यानी कवच के अंदर बंद कर लेता है, और जो एपर्चर होता है वह भी जो है सो अपर कुलम के द्वारा टाइटली क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वह एस्टिवेशन में रहता है तो उस वैसे एस्टिवेशन में जाने से पहले स्नेल क्या करता है कि अपने पल्मोनरी सैक के अंदर एयर को भर लेता है, और एयर को भर लेता है और पल्मोनरी सैक के अंदर जो एयर भरा हुआ रहता है उसी एयर को वह रेस्पिरेशन के में यूज करते रहता है। वैसे भी जब वह एस्टिवेशन में रहता है तो एस्टिवेशन के दरमियान उसकी जो एक्टिविटी होती है वह बहुत कम हो जाता है। एक्टिविटी से मतलब ये होता है कि जैसे ये इसका लोकोमोशन बंद हो गया, इसका फीडिंग बंद हो गया, फीडिंग बंद होने से डाइजेशन का प्रोसेस बंद हो गया है ना, रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो इन सब में जो इसको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है वह सारा एनर्जी जो है सो क्या होता है सेव होता है, यानी कि ये सारे एक्टिविटी बंद हो गए जिसके लिए जिसके कारण से इसको और अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर उसको एनर्जी बहुत कम पड़ती है जिस कारण से वह एक लंबे समय तक एस्टिवेशन में रह सकता है।